देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख के पार हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए प्लान के बारे में जानने की कोशिश की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीन पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, लेकिन अभी भी हमें सतर्कता बरतने पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग कोरोना वैक्सीन के आने का वक्त पूछ रहे हैं, वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं उन्हें राजनीति करने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन वैक्सीन आने का समय हम तय नहीं कर सकते, ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। हमारे लिए सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। जितनी भी वैक्सीन अपने नागरिकों को दी जाएंगी, वह सभी वैज्ञानिक मानकों पर सुरक्षित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम पारदर्शी तरीके से होगा, साथ ही वैक्सीन हर कसौटी पर खरी होगी। लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है, इसलिए वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसकी कितनी डोज होगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। पिछले दिनों में कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ी है। इस पर चिंता जताते हुए मोदी ने कहा कि जब तक दवाई नहीं आ जाती है, तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी है जिससे ये कहना पड़े कि हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था।